आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ड्राइव कैसे बनाते हैं। जैसे हमारी ओरिजिनल विंडो होती है तो उसमें हमें एक ही ड्राइव मिलता है, उसमें सी ड्राइव होता है। तो उस ड्राइव के हम तीन या चार ड्राइव कैसे बनाते हैं, डी और ई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे मैनेज। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और मैनेज पर टिक करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्क में जाना है, डिस्क मैनेजमेंट में इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद ये नीचे शो कर रहा है कि जैसे अब मान लो कि आपका सिर्फ सी ड्राइव है, तो आपने क्या करना है, सी के ऊपर राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम इस पर टिक करना है और वेट करना है। आप जैसे मेरा सी ड्राइव है 100 GB का, तो इसको मैं 20 GB और एक्स्ट्रा इससे निकाल सकता हूँ, तो इससे मेरा एक ड्राइव और बन जाएगा। तो मैं इसमें आपको विस्तार से बता रहा हूँ, सभी ने ध्यान से करना है। जैसे जिसका विंडो में एक ही ड्राइव होता है वो सी ड्राइव पर ओके करेगा, ये 500 GB है तो उसके बाद दो पार्टीशन बना सकता है, तीन पार्टीशन बना सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल विंडो के अंदर अदर ऑप्शन नहीं होता। तो अब ये बता रहा है आपका टोटल साइज बिफोर द श्रिंक इन MB, कह रहा है आपके पास 190 GB है टोटल, 390 GB, तो आपका 100 GB का पार्टीशन है और आप श्रिंक द MB, आप 60 GB का श्रिंक कर सकते हो, बाकी ये विंडो यूज़ कर रही है तो आप श्रिंक करो जो ये पार्टीशन दे रहा है, तो आप इतना बना सकते हो। अगर 100 GB का है तो आप 50 GB बना सकते हो, दो बना सकते हो। मैंने श्रिंक किया, अभी वेट करना है, ये श्रिंक के लिए अभी टाइम लेता है। तो ऐसे हम किसी भी कंप्यूटर से एक्स्ट्रा ड्राइव बना सकते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप हम ऐसे ही बनाते हैं। हाउ टू मेक ए एक्स्ट्रा ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। ओके, अभी हमारा श्रिंक जो हमने किया था तो इसने हमें दिया है 40 GB का, इस पर क्या करना है, ये श्रिंक है तो इसका हमें अब पार्टीशन बना, न्यू वॉल्यूम। इसके बाद कह रहा है वेलकम द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड, हमने क्या करना है, नेक्स्ट। उसके बाद ये कह रहा है इतना पार्टीशन है आपका, अगर ये इससे ज़्यादा है 200 GB या 500 GB है तो हम 100-200 GB कर सकते हैं, प्लस ये अभी 40 GB है तो इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे अभी बता रहा है एच ड्राइव, तो एच ड्राइव ठीक है, अब नाम इसका ड्राइव का नाम भी चेंज कर सकते हो, फिर नेक्स्ट। फिर ये कह रहा है फॉर्मेट, डू नॉट फॉर्मेट कर दो और उसका नेक्स्ट फिनिश। ऐसे यहाँ से आप फॉर्मेट पर टिक नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फॉर्मेट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, माय कंप्यूटर में जाना है और ये एच ड्राइव आ गया, इसको हमने क्या करना है, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट करके अब ये यस, अब ये नया ड्राइव बन गया। अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, अपना म्यूजिक, मूवी, अदर अदर। ऐसे हम कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा ड्राइव बनाते हैं। थैंक्स।